वेलकम टू माय चैनल मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं झिल्ली। इसको हमारे बिहार में रसियाव भी कहा जाता है, झिल्ली भी लोग कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे रसियाव के लिए झिल्ली तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम के करीब आटा गूंथ के यहाँ पे हमने रख लिया है। थोड़ा टाइट ही गूंथे हैं, इसको लूज नहीं गूंथना है। और यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा सूखा आटा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पिट्ठी बनाने के लिए आटा को ऐसे कर लेंगे और इसमें से देखिए इतना सा निकालेंगे, इतना सा इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। हम सूखे आटे में इसको इसलिए डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं। तो बस ज़्यादा नहीं लेना है, इतना सा आटा लेना है और इस तरीके से इसे करके सूखे आटे में डाल देना है। बाद में हम बताएंगे कि इसको क्या करना है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है, इसे दूध में हम बनाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारे आटे को झिल्ली तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम तैयार करते जाएंगे, बस इतना सा आटा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके का ये बनके रेडी होगा। हाथ में थोड़ा सा आटा लेंगे, देखिए बिल्कुल इस तरीके से तैयार होगा, एकदम पतला पतला इसे तैयार करना है। तो इसी तरीके से हम सारे आटे का झिल्ली तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे सारे झिल्ली बनके रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि ये छन्नी लेंगे और एक छन्नी की सहायता से इसे हम चाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे झिल्ली को हम झाड़ के एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो देखिए हमने अपने सारे झिल्ली को इस तरीके से छन्नी की सहायता से साफ कर लिया है, आटा को अलग कर दिया है और इसको अलग कर दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस बताते हैं कि इसको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और यहाँ पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। तो कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। तो देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, करीब 3 से 4 चम्मच के करीब हम डालेंगे घी और घी को हम गर्म होने देंगे। तो देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब इसमें जो झिल्ली बना के रखे थे इसको हम डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। तो आपको भून के दिखाते हैं कैसे भूनना है इसको। एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। आटा एकदम सिंपल लगाना है, इसमें कोई मैन नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, बस गेहूं का आटा सिंपल लेना है और इस तरीके से उसका लच्छा बनाना है। और अब इसको घी में हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, ऐसे चलाते हुए अच्छे तरीके से भून लेंगे। चलाते रहेंगे नहीं तो ये जल जाएगा और जलेगा तो इसका स्वाद एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से भून लेना है, एकदम जब एकदम ब्राउन कलर का हो जाए, बहुत ही सुंदर इसका कलर आया है। आपको उठा के दिखाते हैं हम, देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो देखिए एकदम अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब हम इसको कढ़ाई को उतार लेंगे, यहाँ से हटा लेंगे इसको। अब हम इस पर चढ़ाएंगे एक पतीला और पतीला में हम डालेंगे 1 लीटर के करीब दूध। दूध भैंस का है और दूध बहुत ही बढ़िया है, तो हम ज़्यादा नहीं 1 लीटर दूध में इसे बनाएंगे। तो दूध को अब हम गर्म होने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक पतीला और इसमें 1 लीटर के करीब हम दूध डाल दिए हैं। तो दूध को अब हम गर्म होने देंगे। तो देखिए हमारे दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसको जो भून के रखे हुए थे इसको हम दूध में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, आप ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। तो जितने भी हमने भून के रखे थे झिल्ली को सब हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए अब इसको हम ऐसे चलाते हुए पकाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए और
नहीं चलाएंगे तो क्या होगा कि नीचे जाके बैठ जाएगा, तो इसको चलाते रहना है। बार बार नहीं चलाएंगे, लेकिन 2-2 मिनट पे इसे हम चलाते रहेंगे और चला के पकाएंगे। तो देखिए इस तरीके से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे बिल्कुल गाढ़ा होने तक। जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा हम इसे पकाएंगे। तो इसमें हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए 1 तेज़ पत्ता, थोड़ी सी हमने इलायची कूट के रखे हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये बन के रेडी हुआ है, कितना टेस्टी लग रहा है। अब खाइएगा एक बार तो ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये कितना टेस्टी बनता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, देखिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काट के रखे थे, तो अब हम इसको ऊपर से डाल देंगे। इस तरीके से हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ एक बार आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कुछ कमी हो तो वो भी कमेंट में बताइएगा, तभी जाके हम सुधार कर पाएंगे अपने वीडियो में। तो इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमारी रेसिपी कैसी बनी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर। और इस पूरी के साथ तो आप खाइएगा तो इतना टेस्टी लगेगा, ये पूरी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी दोस्तों, हमने आपको चीनी तो बताया ही नहीं कि इसमें चीनी डाला है, मैं भूल चुकी थी। तो इसमें हमने 100 ग्राम के करीब चीनी भी ऐड किया है, तो आप भी चीनी डालिएगा, मैं भूल गई थी चीनी डालना, तो इसलिए अब बता रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया कुछ खास लेकर।